ये देखिए लुधियाना शहर का आरती चौक है, और आरती चौक में ये एक रास्ता कुम्हार मंडी को जाता है सरदार ज्वेलर की तरफ, और दूसरा रास्ता जो है देखिए ये गाड़ी आ रही है इस तरफ, तो ये है कृष्णा नगर की तरफ रास्ता जाता है सरदार ज्वेलर के साथ ही, ये रोड है जो कृष्णा नगर की तरफ जा रहा है। ये कुछ दुकानें बनी हुई हैं और उसके बाद ये रास्ता जा रहा है कृष्णा नगर, वो कृष्णा नगर के वो जहाँ पर मोटर देख रहे हैं वहाँ पर आपको मिलेगा सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट। चलिए हम वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं कृष्णा नगर। और देखिए कृष्णा नगर मून लाइट हैंडलूम, और यहीं पर आपको श्री वर्धमान ज्वेलर के साथ ही ये सत्यम हॉस्पिटल, और ये गली के कॉर्नर पर है ये स्टिचलेस ब्लडलेस पेनलेस नेचुरल हेयर ग्रोथ, डॉक्टर के अरोड़ा के हम इस समय क्लिनिक पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और देखिए जहाँ पर अभी हम एंटर करेंगे, और देखिए यहाँ पर इस समय हम एंटर कर चुके हैं ग्लोबल वार्ड बाय जैकी श्रॉफ से इनको मिल चुका है के अरोड़ा जी को। और देखिए इस समय हॉस्पिटल में जहाँ पर इनके, और ये डिफरेंट कंट्री के लोग जो हैं कनाडा जर्मन फ्रांस जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, और देखिए जहाँ पर इनका स्टाफ जो है, और देखिए कितने ट्रांसप्लांट किए इन्होंने जो बाहर से लोग आते हैं न्यूजीलैंड कनाडा, और अभी देखिए स्टाफ जहाँ पर है इनका, और देखिए यहाँ पर क्लिनिक में स्टाफ, और देखिए यहाँ पर इस समय हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, वो बताएंगे हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे की, ये जो ट्रांसप्लांट है क्या चीज़ है। और देखिए सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपके जो बालों की डेंस चेक की जाती है कि आपके बालों में कितना गैप है, ये जो इस समय ऑपरेटर्स हैं इनके पास उसके द्वारा चेक करते हैं कि कितनी डेंस है, इसे पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए कितने बिरले बाल हैं, और देखिए ये सिस्टम है, सबसे पहले चेक किया जाएगा और ये बालों की मोटाई और कौन से बाल जहाँ पर फिट होंगे उनका कैसे ट्रीटमेंट किया होगा ये पहले चेक किया जाता है यहाँ पर, उसके बाद ही जाने के आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया जाता है। और देखिए जहाँ पर मैं सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट, जहाँ पर सर के बाल लगाए जाते हैं, आपका गंजापन है तो आपके सर पर बाल लगाने का काम जो है डॉक्टर के अरोड़ा जी जो MBBS डॉक्टर हैं, और इनका जो बाल लगाने का तरीका बिल्कुल ही दूसरे लोगों से डिफरेंट है। तो ये मेरे को बताएंगे कि ये कई बार मैंने सुना है, मेरे दोस्तों ने कई जगह से अलग अलग क्लिनिक से, इनसे तो नहीं करवाए, लेकिन कहते हैं हमारे सर पर सूज आ जाती है, हमारा मुंह सूज जाता है, हमको साइड इफेक्ट हो गया, ये सब क्या होता है डॉक्टर साहब? आपको भी ऐसे कभी प्रॉब्लम आई है आपके जो पेशेंट हैं, या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है अगर आई है तो? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ सर्जरी है, इसके कहने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये जो भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं नॉमिनल साइड इफेक्ट हैं, कोई लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट बॉडी पे नहीं है। जो भी काम किया जाता है सिर की स्किन में किया जाता है, स्कैल्प के ऊपर सिर की स्किन पे किया जाता है। मान लो हमने यहाँ पे सर्जरी कर ली या सिर की स्किन में कर ली तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। स्कल को खोपड़ी को टच नहीं किया जाता, ब्रेन को टच नहीं किया जाता है, जो भी काम किया जाता है सिर की स्किन के ऊपर किया जाता है। इसके जो मिनिमल साइड इफेक्ट हैं, थर्ड डे जो हम लोकल एनेस्थीसिया और ट्यूमिसेंस देते हैं, फेस के ऊपर स्वेलिंग आती है, पर आजकल मॉडर्न टेक्निक से इस स्वेलिंग को भी मिनिमाइज कर दिया गया है।
पहले 5-5, 6-6 दिन स्वेलिंग आती थी, मगर अब तीसरे दिन हल्की सी स्वेलिंग आती है जो 4 से लेकर 6 घंटे में ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट इसका नॉमिनल मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है, 8वें या 10वें दिन जब बालों के ऊपर स्कैब बन जाता है, जिसे हम पंजाबी में खरिंड बोल देते हैं, खरिंड बनता है, तो क्लाइंट को इरिटेशन होती है, खुजाने को जी करता है, वो सिंपल सिट्रिजिन की टैबलेट या माइनर सा ऑयल लगाने से ये खारिश को खाज को ठीक किया जा सकता है। सो ये नॉमिनल छोटे मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई सीरियस इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये एब्सोल्युटली सेफ सर्जरी है। और देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है, अगर आपके सर पर क्रोच या ग्रिंड बोलते हैं, इसको पापड़ी सी जम जाती है, उसको ऑयल से या टैबलेट होती है उससे ठीक हो सकता है, और 2-3 दिन में अगर स्वेलिंग आ गई तो वो 6 या 8 घंटे में ठीक हो जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बाकी इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, फोन नंबर साथ दिया है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बताया कि साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, अगर होता तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी पर जान के इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यही कहना आपका। बिल्कुल जी, डेली अपडेट के मेरे दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार।